नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके एग्ज़ाम अपडेटेड चैनल एग्ज़ाम टॉक विद आकाश में। तो दोस्तों, यह बता कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सैनिक स्कूल क्लास सिक्स एंड क्लास नाइन का रिज़ल्ट आउट हो गया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रिज़ल्ट कैसे देखें। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में अपना कोई भी ब्राउजिंग साइट खोल लें, जैसे कि मैं आप यहाँ पर क्रोम खोलने जा रहा हूँ। क्रोम खोलने के बाद आप सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे जाना है। आप टाइप करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन डॉट इन। दोस्तों, ये लिखते समय आप किसी भी वर्ड्स के बीच में गैप नहीं छोड़ेंगे और सर्च करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद आप नीचे की ओर जाएंगे और नीचे यहाँ पे जितने भी सैनिक स्कूल है सबका नाम दिया हुआ है। अब जिस सैनिक स्कूल में अपना एप्लीकेंट फॉर्म भरे हैं उस सैनिक स्कूल का सर्च करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर में मैं दिखा रहा हूँ कोरोकोंडा का। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया और सर्च करने पे देखें उनका जो है मेन पेज और जो है वो खुल चुका है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है रिज़ल्ट के लिए। मैं फिर से दिखाता हूँ रिज़ल्ट के लिए कैसे दिखाएंगे। आप जिसे कोई भी इसमें से खोल सकते हैं, जैसे कि मैं ये खोल रहा हूँ सैनिक स्कूल कोरकोंडा का। सबसे लास्ट में आने के बाद देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट है। मैंने इसे टच किया और ये दोस्तों पूछ रहा है कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं हाँ करूँगा, यस डाउनलोड। और ये डाउनलोडिंग होने के बाद देखिए दोस्तों, ये आपका उस स्कूल का जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो स्कूल के लिए जो जो क्वालिफाई किए उनका रोल नंबर जो है वो क्लास सिक्स और क्लास नाइन दोनों का दिया हुआ है। कैटेगरी भी बांट दिया गया है, जनरल कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी, एससी एंड एसटी कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि दे विल रिक्वायर टू अपियर फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन एट अ लेटर डेट इंटीमेट थ्रू द कॉल लेटर्स पोस्ट मेडिकल एग्ज़ाम आर लाइकली टू बी हेल्ड एट 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को जो है आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और कैंडिडेट नॉट इन रिसिप्ट ऑफ कॉल लेटर फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय 10 फरवरी शुड कॉन्टैक्ट स्कूल ऑन टेलीफोन नंबर ये। तो दोस्तों, तो आप जिस स्कूल में एग्ज़ाम दिए हैं, जहाँ पर अपना एप्लीकेंट फॉर्म दिए वहाँ के, वहाँ पे आप कॉल करेंगे अगर 10 फरवरी तक आपको जो है मेडिकल कॉल लेटर नहीं आता है, क्योंकि 11th को आपको मेडिकल लेटर के साथ वहाँ पे अपीयर होना है। और दोस्तों, मेडिकल लेटर और इंटरव्यू के लिए जो जो डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है और क्या क्या जिस जिस चीज़ की जरूरत है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप चाहे तो वहाँ जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। और आगे की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।